अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आसमान की लाली बता रही है कि आज बहुत ही खूबसूरत सा सनी डे है। मैं बना रही हूँ किचन में अपना लाहौरी नाश्ता नान चने, और चनों में मैं डालूँगी नमक मिर्च हल्दी, अजवाइन, मेथी दाना और कलौंजी। ये तीन इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसमें, और ये बहुत ही झटपट तैयार होने वाले चने हैं। बाद में मीठा सोडा डालूँगी थोड़ा सा, और बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। एंड में इस पे सूखी मेथी जाएगी, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही प्यारा सा हो जाएगा। और ये नान के ऊपर मैं लगाऊंगी तिल, बल्कि तिल वाले कुलचे कह सकते हैं आप, और उसके ऊपर बटर लगाऊंगी। ये बहुत ही सॉफ्ट से मेरे कुलचे बन जाएंगे, और ये हमारा लाहौरी नाश्ता आज बनेगा। आज संडे है, मेरे हस्बैंड भी हैं और मेरा बेटा भी है, और हम तीनों ने यही सोचा है कि अपना देसी नाश्ता किया जाए। इसके ऊपर बटर लगा के आप इसको ढाँप के रख दें तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। साथ में इसके मैं सैलड वगैरह काट के रख दूंगी, ताकि वो जिस जिससे खाना हो वो साथ में खाए। लेमन होगा, स्विबल होंगे, स्विबल यानी कि प्याज, और अदरक वगैरह, और क्यूकम्बर, और चनों के एंड में ऊपर से मैं डालूंगी बटर, और ये बन जाएंगे मेरे मखनी चने। साथ में योगर्ट है और चाय भी है, बॉयल अंडे भी हैं, जिसे जो खाना होगा वो खा लेगा। हमारे प्रॉफिट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं बनाई जिसकी की दवा नाजिल ना की हो, सिवाय एक बीमारी के, और वो है बुढ़ापा। इसीलिए लोग बुढ़ापे में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला किसी को किसी का मोहताज ना करे, और ना ही इतना शदीद बुढ़ापा आए कि इंसान बोझ बन जाए और ऊपर वाले तंग आ जाए उससे। हर इंसान यही दुआ करता है कि अल्लाह मियाँ उसे चलते फिरते दुनिया से ले जाए, और अल्लाह ताला जानते हैं कि किसकी कितनी उम्र है और कौन सी बीमारी उसकी आजमाइश है, और वो काट के ही दुनिया से जाता है। वे यही दुआ करते हैं हम सब कि अल्लाह ताला सबको एक सेहतमंद बुढ़ापा दे, और किसी का बोझ ना बने, और एक नेक सालिहा औलाद दे जो अपने बीमार वालदैन को, बूढ़े वालदैन को संभाल सकें। आज नाश्ते के बाद रूटीन के कामों से फारिग होकर मुझे जाना था किसी की तीमारदारी के लिए। मेरी एक दोस्त है बहुत अच्छी, उनकी मदर की तीमारदारी के लिए मैंने जाना था, और मौसम बहुत ही खूबसूरत था, और जहां हमने जाना था वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तकरीबन 20 मिनट की वॉक के बाद हम लोग बातें करते करते, उसके बच्चे भी साथ थे और मैं भी थी, मैं अपने बेटे को भी साथ ले गई कि चलो वॉक हो जाएगी, बाहर मौसम प्यारा है और लोग निकलते हैं ऐसे मौसम में। और वॉक करते करते हम लोग पहुंच के उस जगह पर, बहुत ही खूबसूरत ये जगह बनी हुई थी, जैसे सेहत अफसा मुकाम होता है, ग्रीनरी हर तरफ। और ये है एक ओल्ड होम, आज मैं आपको इसका छोटा सा टूर करवाने लगी हूँ। इसको जर्मन में अल्टनहाइम कहते हैं, और आपको अंदर से मैं इसका दिखाऊंगी सारा सिस्टम वगैरह। आज मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ। ये इसकी एंट्रेंस है, और देखिए ये कितना नीट एंड क्लीन बना हुआ है। मैं देख के हैरान रह गई यहाँ के सिस्टम देख के, कि कितने अच्छे सिस्टम है यहाँ के। और ये सब कुछ मेडिकल इंश्योरेंस की तरफ से होता है, ये किसी घर का कोई ड्राइंग रूम या कोई सीनरी वगैरह ऐसे नहीं लगी हुई, ये ओल्ड होम है। और देखें कितना खूबसूरत सा बना हुआ है, और जगह जगह पे यहाँ पे सिटिंग के लिए एरिए हैं, ताकि जो भी मिलने वाले आए वो यहाँ बैठ सकें और अपने पेशेंट के साथ अच्छी तरह से टाइम गुजार सकें। आज संडे का दिन था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे, और मौसम खूबसूरत था, इसलिए बाहर बैठे हुए थे सब लोग, बाहर बैठ के मीटिंग कर रहे थे, अपनों के साथ मिलने आए हुए थे। और ये डाइनिंग हॉल है, ये मुख्तलिफ काफ़ी ये बड़ा है ओल्ड होम, और हर विंडो से खूबसूरत सा व्यू बाहर नज़र आता है, हर तरफ ग्रीनरी है, और इसको पूरे को बहुत ही खूबसूरत सा सजाया हुआ था उन्होंने। मैं पूरा तो नहीं घूम सकी, लेकिन जहाँ जहाँ से दिखा सकी मैंने ये शॉट बनाए, और जिनको हम मिलने आए थे, जिनकी तीमारदारी करने आए थे, उनके साथ ही अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदरुस्ती दे। मेरी दोस्त हैं, उनकी मदर हैं। आप तो जानती हैं कि यूरोप में ये सिस्टम है,
क्योंकि वर्किंग लोग होते हैं और वो अपने जो बूढ़े वालदेन होते हैं अगर बीमार हो जाए तो उनको ओल्ड होम में रख लेते हैं। और ये उनका रूम था, बहुत ही साफ़ सुथरा सा बाथरूम भी है, उनका रूम बड़ा अच्छा बना हुआ था, उसमें ज़रूरत की हर चीज़ थी, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक घर में इंसान रहता है। यहाँ ये फ़र्क है कि चलो औलाद तो मिलने आती ही है, लेकिन डॉक्टर और नर्सिस बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उनकी बालकोन से मैंने देखा, इतना खूबसूरत सा व्यू था, आप धूप में यहाँ पे धूप ले सकते हैं और अच्छा मौसम है तो बालकोन में बैठ के इंजॉय कर सकते हैं, फूल और हर चीज़ इधर लगाई हुई थी। यहाँ पर नर्सिस बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं अपने पेशेंट का, टाइम पर उन्हें आके दवाई देती हैं और हर तरह का ख्याल रखा जाता है। और ये सिस्टम देख के मैं बहुत ही खुश हुई कि ये तो वाकई बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ का। बहुत से और लोग पेशेंट होते हैं और सब मिलके एक टाइम पे ब्रेकफास्ट करते हैं, शाम का खाना खाते हैं या दोपहर का मिटागेशन उसे कहते हैं वो करते हैं। आज मौसम प्यारा था इसलिए हम लोग बाहर भी गए, बाहर की साइड पे लोग काफ़ी बैठे हुए थे, मैं उनके साथ ही बाहर की साइड में गई, वो एरिया देखा सारा। जो लोग चल नहीं सकते उनको रोल स्टूल दिए जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक रोल स्टूल भी होते हैं जिसे चेयर कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चेयर, वो अपनी मर्जी से बाहर भी जा सकते हैं घूमने के लिए, जिनका जो बिल्कुल इतने इस काबिल हैं कि वो बाहर जाके घूम सकें तो वो जा सकते हैं। घूमते घूमते हम इस साइड पे आ गए जहाँ पे खूबसूरत ग्रीनरी भी थी पानी में और बहुत ही कलरफुल सी फिश भी थी जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। यानी कि हर वो इधर नेचुरल ग्रीनरी थी कि पेशेंट इनको देख के खुश हो सकें, सेहतमंद हो सकें। एक साइड पे एक उन्होंने बर्ड्स रखे हुए थे छोटे छोटे से, कलरफुल स्पैरो थी छोटी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और पेशेंट जहाँ दिल करता अपना मर्ज़ी से बाहर निकल आते हैं, जगह जगह पे डेस्क लगे हुए हैं और उधर बैठ के वो लोग मौसम को एंजॉय करते हैं, आपस में गप्पे लगाते हैं, एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं ये लोग। क्योंकि यहाँ यूरोप का माहौल है, जब औलाद वैसे भी जवान होती है 18 साल के बाद तो माँ बाप अकेले ही रहते हैं घर में हो, और अगर ज़्यादा बीमार हो जाए उनको कोई देखने वाला ना हो तो उनको फिर ओल्ड होम में पहुँचा देते हैं। कितनी खूबसूरत सी बालकोन्स बनी हुई हैं इनकी, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा एटमॉस्फेयर था, कोई पाबंदी वाला माहौल नहीं है कि इंसान जी कैद हो गया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे जहन में यही कॉन्सेप्ट था। और मैं सोचती थी जो लोग ओल्ड होम में यहाँ चले जाते हैं या जर्मन लोग अपने वालदेन को उधर छोड़ आते हैं तो मैं सोचती थी कैसे गुजारा करते हैं, लेकिन आज जाके मैंने खुद जब विज़िट किया तो मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई कि हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ का माहौल और तरह का है। यूरोप ममालिक में काफ़ी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, विवाही बहकर हम लोगों ने कॉफ़ी वगैरह पी इधर और कुछ चीज़ें ले, स्नैक्स वगैरह लेके गए थे, वो खाया पिया। उसके बाद शाम होने लगी, टाइम ख़त्म हो रहा था तो मिलने का भी एक टाइम होता है, 7 बजे तक 8 बजे तक आप यहाँ रह सकते हैं। फिर हम अंदर आए तो डाइनिंग हॉल में सब के आबेंड एसन का टाइम था, यानी कि शाम के खाने का टाइम था, जिसे जर्मन में आबेंड एसन कहते हैं। ये देखें, ये वो इलेक्ट्रिक स्कूटर सा है जिस पे बैठ के पेशेंट बाहर जा सकते हैं, उसको चार्ज किया जाता है यहाँ पे लगा के। इसके बाद हम लोगों ने वापसी का इरादा किया, उनको उनके रूम तक पहुँचा के फिर हम लोग बाहर निकल आए जाने के लिए। तो ये था मेरा आज का छोटा सा विजिट टूर ओल्ड होम का, और देखिएगा मेरी वीडियो को और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।